हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको करियर और भर्तियों से जुड़ी जानकारियां साझा करते हैं। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, तो हमारे आज के कार्यक्रम को जरूर देखें और शेयर करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी में नौकरी का सुनहरा मौका मिल रहा है। IIT मंडी में जूनियर असिस्टेंट के कुल 22 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास मिनिमम 55% अंकों के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होना भी जरूरी है। इस भर्ती में आवेदनकर्ता की आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं आवेदन करते वक्त आपको ₹500 का आवेदन शुल्क भी देना होगा। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहने प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी, तो अब हम मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की है, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती लेह और कारगिल घाटी सहित लद्दाख QT के लिए की जानी है। वहीं आवेदन प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2024 है। उम्मीदवारों को इसी अवधि के दौरान शुल्क का भी भुगतान करना होगा। निर्धारित की गई अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आधिकारिक नोटिस के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा संभवतः जनवरी 2025 के महीने में आयोजित की जाएगी और मुख्य परीक्षा संभवतः फरवरी 2025 में आयोजित की जाएगी। वहीं इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल जूनियर एसोसिएट्स के 50 पद भरे जाएंगे। एम्स में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2024 है। बता दें कि इस भर्ती के जरिए 6 महीने के टाइम पीरियड के लिए नियुक्ति की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। आपको बता दें कि इस भर्ती के जरिए आपको 50,000 के ऊपर सैलरी मिलेगी। वहीं भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की मैक्सिमम एज 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जो कि 17 दिसंबर को आयोजित होगा। आवेदन करने वाले SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹500 है, जबकि बाकी सभी के लिए आवेदन शुल्क ₹1,000 है और साथ ही GST भी है। वहीं दिव्यांगों को कोई देय शुल्क नहीं देना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ज्ञानवर्धक बातों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के मंदिरों के बारे में। नर्वदेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण महाराजा संसार चंद्र की रानी प्रसन्ना देवी ने सन 1802 में करवाया था। मंदिर निर्माण की शैली राजस्थानी है। पहाड़ी चित्रकला में बने भित्ति चित्र अद्वितीय हैं। वहीं भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव से संबंधित चित्रों की बहुतायत है, साथ ही राधा कृष्ण प्रसंगों पर भी चित्र उकेरे गए हैं। नरसिंह देव मंदिर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित नरसिंह देव मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित एक पूजनीय हिंदू मंदिर है। यह मंदिर स्थानीय आध्यात्मिक परिदृश्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरसिंह देव को एक रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है।
बाबा बालकनाथ को 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की श्रेष्ठ विभूति माना जाता है। लोक श्रुति के अनुसार बाबा बालकनाथ का जन्म युगो युगो में होता रहा है। सतयुग में यह स्कंद त्रेता में कौल और द्वापर में महाकौल के नाम से जाने गए। बालयोगी महाकौल ने अपने दृढ़ निश्चय और तप से शंकर के दर्शन किए और सदा बाल छवि में बने रहने का वर प्राप्त किया। बाबा का मूल स्थल मौलिक रूप से गुफा में है। प्रवेश पर अब शिखर शैली का द्वार है। वहीं गुफा के साथ ही शिव राधा कृष्ण आदि के मंदिर हैं। गुफा के नीचे थड़ा है जो सार्वजनिक पूजा स्थल है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मठ स्थल है जहां गिरी संप्रदाय के महंतों की समाधियां हैं। चलिए अब समय है आपको कुछ करंट अफेयर्स बताने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को बीमा क्षेत्र में शामिल करके सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत पहले साल में 1 लाख और 3 वर्षों में 2 लाख महिलाओं को करियर एजेंट के रूप में प्रशिक्षित और नामांकित किया जाएगा। यह योजना 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को लक्षित करती है जिसकी न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास है। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया गया जिससे नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। 300.12 किलोग्राम वजनी यह सोने की ईंट लगभग 211 करोड़ की कीमत रखती है। ये था हमारा आज का कार्यक्रम।